गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लक्ष्मीबाई अपने से नारी सेना की तैयारी करती है, साथ में रघुनाथ को भी सेना को तैयार करने के लिए कहती है, क्योंकि रघुनाथ ने बताया कि पेशवा की हार हो चुकी है, रोज की सेना पेशवा के राज्य तक आ पहुंची है, मुरार पर अपना कब्जा रोज ने कर लिए। तो लक्ष्मीबाई चिंतित है, क्योंकि उसके पास अच्छा सेनापति होने के बावजूद भी वह भोग विलास में डूबे हुए और राव साहब और तात्या के कारण अपनी सेना में अनुशासन नहीं है, और जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी भी विजय प्राप्त नहीं होती। किसी भी कार्य में अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर सेना नायक तात्या अपने राव साहब को स्वामी मानता है, और राव साहब के कहने पर वह भी विलासिता में डूबा हुआ है। राव साहब की प्रत्येक मांग पूरी करने में वह डूबा हुआ है, इसलिए अपना जो कर्तव्य है वह देश के प्रति कर्तव्य है, उससे थोड़ा भटक गया है। मुंदर, जूही और लक्ष्मीबाई इस बात से चिंतित है। लक्ष्मीबाई कहती है कि यदि हम उनको कुछ कहने जाएंगे तो वह अविश्वास की खाई और भी गहरी हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी बात हो यदि मित्र बताता है तो उस पर से विश्वास उठ जाता है, लेकिन इसलिए हमें उनसे कुछ भी कहना नहीं है। अब हमें उनको दुश्मन की ठोकर ही इस विलासिता से बाहर लाएगी, और जब दुश्मन की ठोकर लगेगी तब जाकर वह समझ पाएंगे। इस तरह मुंदर, जूही और लक्ष्मीबाई तीनों बातचीत रंगमंच पर बातचीत करती है, चिंतित भी है, लेकिन ऐसे समय में उन्हें तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ब्राह्मणों की मेजबानी चल रही है। लड्डू और श्रीखंड पर की महफिल जम रही है, इसलिए ये तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। इतने में रघुनाथ राव आते हैं, और रघुनाथ राव कहते हैं कि महारानी पेशवा साहब की हार हो गई है, और पेशवा के राज्य पर मुराद पर रोज ने अपना हक जमा लिया है। तो यह बात सुनकर महारानी कहती है कि अच्छा हुआ कि पेशवा ने उस पर उसे हरा दिया, क्योंकि आज तक पेशवा जो विलासिता में डूबा था वह अब उसकी आँख खुलेगी। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में देखा था, अब क्या होता है उसके बारे में देखें। तो रघुनाथ राव आते हैं और कहते हैं, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा को हरा दिया है। जूही ने कहा, काम कर, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई ने कहा, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवा की आँख खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अपनी सेना तैयार करो, किसी भी हाल में ग्वालियर का सेना किला रोज नहीं ले सकता। रघुनाथ ने कहा, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। जब तक आप हैं हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, हमारी पूरी सेना उसके लिए तैयार है, हम कभी भी उसे ग्वालियर का किला नहीं लेने देंगे। मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए यहाँ पर आया था, ऐसा कहकर वहाँ से जाता है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं, जूही ने कहा बाहर देखकर। जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश होता है। लक्ष्मीबाई ने कहा, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले पड़े? तो जैसे ही सरदार तात्या वहाँ पर आते हैं, तुरंत ही लक्ष्मीबाई उन्हें कटाक्ष करती है कि आइए आइए पधारिए, आज आप यहाँ कैसे भूले पड़े। तात्या ने कहा, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता,
पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ? मुझे कोई सरदार कहकर पुकारेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके लिए तो मैं सेवक ही हूँ, इसलिए आप मुझे सरदार कहकर मत पुकारो। आइए आइए, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? आप मुझे ऐसा कहते हैं कि मैं आपके लिए तो हमेशा सेवक ही हूँ, तो नारी के सामने ऐसे झुकते हुए आपको शर्म नहीं आती है? छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसे आ रही है? पूछती है कि तुम्हारी विनम्रता है इसलिए तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा सेवक ही हूँ। चलो इस बात को छोड़ो, पर यह तोपों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी ख़त्म नहीं हुआ होगा। चाटुकार जो जागीर बांट रहे हैं उसके उत्सव में यह तोपों की आवाज़ हमें सुनाई देती है, ऐसा अनुमान लगाती है। तात्या ने कहा, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। ये लक्ष्मीबाई को तो पता ही है कि ये तोपों की आवाज़ कहाँ से आती है, लेकिन फिर भी वह तात्या को कहती है कि वह पता लगाना चाहती है कि तात्या को पता है या नहीं कि यह अंग्रेजों की सेना की तोपों की आवाज़ है, यह पता है कि नहीं। यह इसलिए वह कहती है कि कटाक्ष में कहती है कि चाटुकार में अभी जागीर बांटना जो चल रहा था, कार्य उत्सव मना चल रहा था, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। तब तात्या समझ जाता है कि भाई साहब मुझ पे व्यंग या कटाक्ष कर रही है, इसलिए कहता है कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानती ही है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों, ये सब तो आप जानती हैं। तो आपको हमें लज्जित करने का, हमें व्यंग करने का पूरा अधिकार है। लक्ष्मीबाई ने कहा, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही है, ब्रह्मभोज चल रहा है तो इसलिए यह तोपें चलाकर आनंद लिया जा रहा है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। इस तरह एक के बाद एक व्यंग कटाक्ष व तात्या को दे रही है, सुनाई जा रही है। जूही ने कहा, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। लक्ष्मीबाई को जूही कहती है कि महारानी, अब इस बार उन्हें माफ़ कर दीजिए। तात्या के व्यग्र होकर, भाई साहब, आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? कब तक मुझे ऐसे व्यंग करती रहेगी? कब तक मुझे ऐसे कटाक्ष करती रहेगी? लक्ष्मीबाई ने कहा, तू कहती है तो अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश, तू कहती है तो अब बोलना छोड़ देती हूँ, कटाक्ष नहीं करती। इतने में मुंदर आती है। मुंदर ने कहा, सरकार सेना तैयार है, सेना उसने तैयार कर दी है। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? कहती है कि तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी, जब तक तुम मेरी सेना में थे तब तक ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया है। मुझे तुमसे जो उम्मीदें थी वो सारी नष्ट हो गई है, मैं तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही ने कहा, सरकार, ये स्वामी भक्त है। जूही ने कहा कि वे स्वामी भक्त है, अपने स्वामी के लिए वह सब कुछ भूलकर उनकी आज्ञा का पालन करते रहे हैं। लक्ष्मीबाई ने कहा, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की नहीं। स्वामी भक्तों की आवश्यकता नहीं है, आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। तो खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता, आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है, स्वामी भक्तों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वामी भक्त जो होंगे वह सीमित ही
रहेंगी। तो ऐसे समय में देशभक्तों की आवश्यकता है, इसलिए कोई बात नहीं, अब पता चला है, अब अपनी भूल समझ में आई है, तो उसे सुधारने का एक मौका मैं और देती हूँ। और अब भी तुम अपनी भूल को सुधार सकते हो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मण ने कहा, मैं भी तो तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? सरकार स्वामी भक्त है, जूही ने कहा। लक्ष्मीबाई ने कहा, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या ने कहा, इसलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा, आप जो कहेंगे वही करूँगा। मैं आपको साथ देने आया हूँ, इसलिए आप जिस योजना पर चलने, जो योजना बनाएगी उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, मैं चलूँगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुरों की जंकार के स्थान पर तोपों की गर्जन होने दो। जाओ तलवार हाथ में पकड़ लो, नुपुरों की जंकार का स्थान छोड़ दो और भूल जाओ राग रंग, भोग विलास में डूबे रहना, आनंद प्रमोद सब कुछ भूल जाओ। याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तो लक्ष्मीबाई तात्या को समझाती है कि आज तक तुम भोग विलास में राव साहब के साथ डूबे रहे, अपने स्वामी की आज्ञा मानते रहे, तो ऐसे स्वामी भक्तों की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। तो तात्या कहता है कि भाई साहब, मुझसे यदि वो जो भी भूल हुई है, गलती हुई है, उसे क्षमा कर दो, आज से मैं आपके साथ रहूँगा, आप जो कहेगी, आप जो योजना बनाएगी, वही मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो लक्ष्मीबाई ने कहा कि जाओ, नुपुरों की झंकार को छोड़कर हाथ में तलवार पकड़ लो, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, भूल जाओ राग रंग। याद रखो, हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या ने कहा, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर ही आया हूँ। लक्ष्मीबाई ने कहा, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यह दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई को इस बार लगता है कि शायद इस बार वह युद्ध नहीं जीत पाएंगे, या उसके जीवन का वह अंतिम युद्ध होगा, इसलिए वह तात्या को कहती है कि यदि दुर्भाग्यवश हम युद्ध में हार भी जाते हैं तो हमारी सेना और हमारे शस्त्र सरंजाम सब दुश्मनों के हाथ से तुम सही सलामत निकाल देना। लक्ष्मीबाई ने कहा, जानती हूँ, लेकिन सेनापति यह इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या ने कहा, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई ने कहा, तात्या, मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। उसका मन, लक्ष्मीबाई को लगता है कि उनके जीवन का यह युद्ध अंतिम है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, उसमें मेरी जीत हो या हार, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई चिंता नहीं है। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, कि युद्ध भूमि से हम लड़ते लड़ते युद्ध भूमि में यदि शहीद हो जाए, मर जाए, तो कोई बात नहीं, लेकिन भागना पड़े, ऐसी परिस्थिति आए, तो हमारी वीरता कलंकित होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा न होने पाए, दुश्मनों के हाथ हम नहीं लगने चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुश्मनों के हाथ हम नहीं लगने चाहिए, हमारी वीरता कलंकित न हो, इसकी लक्ष्मीबाई को चिंता है। तात्या ने कहा, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा,
आज्ञा दीजिए प्रणाम, ऐसा कहकर कि आप वीरता आपको पाकर धन्य है। आप जैसी वीरांगना को पाकर स्वयं वीरता धन्य है। आप याद रखिए कि आपके होते हुए कलम की छाया भी हम पर नहीं पड़ सकती। आज्ञा दीजिए, मैं युद्ध में लिए प्रस्थान युद्ध के लिए प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम करके तात्या वहाँ से निकलता है। लक्ष्मीबाई ने कहा कि प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर ने कहा, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। मुंदर ने कहा कि आज मैं आपके साथ ही रहूँगी, आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगी। जूही ने कहा, और मैं तोपखाना संभालूँगी। जूही ने कहा कि तोपों की जिम्मेदारी मेरी है। लक्ष्मीबाई ने कहा, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। या हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या स्वतंत्रता की चिंगारी को भड़काने का की शुरुआत करेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में युद्ध यही उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते न धुंधलाते सब कुछ छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। तो यहाँ पर हर हर महादेव का नाद सुनाई देता है और तीनों वहाँ से प्रस्थान करती है। पृष्ठभूमि में उद्घोष उभर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते धुंधलाते सब कहीं छा जाता है, फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है। प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर सुनाई देता है, यानी कि लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि में जाने से पहले गीता का पाठ करने के लिए बैठी है। उसका स्वर हमें रंगमंच पर सुनाई देता है। यहाँ पर राग रंग तो गाना बजाना अंकित निशान लगा हुआ। व्यग्र आतुर व्यग्र आतुर उत्तेजित बढ़ता हुआ उत्तेजित बढ़ता हुआ पाताल से खींच लाना किसी इच्छित चीज को कहीं से ढूंढ लाना पाताल से खींच लाना किसी इच्छित चीज को कहीं से भी ढूंढ लाना कहीं से भी ढूंढ लाना आंखें खुलना सजग होना आंखें खुलना सजग होना मौत से जूझना साहस से मौत का सामना करना
मौत से जूझना, मौत से जूझना मौत से जूझना साहस से मौत का सामना करना साहस से मौत का सामना करना अब स्वाध्याय देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था, तो क्या था उनकी चिंता का कारण कि इतनी बार प्रयास करने पर भी स्वराज नहीं मिल पा रहा था और इतनी बार प्रयास करने पर भी स्वराज नहीं मिल पा रहा था, यही उनकी चिंता का कारण था। दूसरा प्रश्न है, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा, तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि स्वराज मिल सकता है त्याग तपस्या और सेवा से। स्वराज मिलता है त्याग तपस्या और बलिदान से, सेवा तपस्या और बलिदान से। स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना महत्वपूर्ण बात है और जब तक समाज में छुआछूत और ऊंच नीच है, ऊंच नीच का भेदभाव है, तब और जब तक लोग विलासिता में डूबे हुए हैं तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी, चाहे जो कुछ भी हो जाए वह अपनी झांसी वापस लेकर ही रहेगी, ऐसी उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी भी हाल में अपनी झांसी को जीत कर ही रहेगी। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है, जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उसे अपना स्वामी मानती है, वह उसे अपना स्वामी मानती है इसलिए। तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे, क्योंकि वो विलासिता में डूबे हुए थे और अपने देश के प्रति जो कर्तव्य है उससे भटक गए थे, इसलिए वो लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित हो उठे। सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए, वो मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और खाली जगह से, तो इसमें क्या आएगा, बलिदान या युद्ध, तो क्या आएगा, बलिदान। महासागर की डरावनी खलजगिया थपेड़े मारने लगती है, तो महासागर की डरावनी तो लहरें या हवाएं, तो क्या होगा इसमें, लहरें। महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। कौन कहता है कि खलजगिया में डूब गए हैं, तो विलासिता या तपस्या, तो उत्तर आएगा विलासिता। कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए है, मैं खलजगिया के लिए नाच सकती हूँ, तो विजय या स्वराज, तो स्वराज आएगा इसमें, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ। हमारी खलजगिया कलंकित न होने पाए, श्रेष्ठता या वीरता, तो इसमें क्या आएगा, वीरता, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। अब उदाहरण के अनुसार शब्द बनाने हैं, उदाहरण के अनुसार
शब्द बनाने हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि राज्य, तो स्व प्लस राज्य, तो स्वराज्य, उसी के आधार पर देश प्लस, स्व प्लस देश, तो स्वदेश, स्व प्लस देश तो स्वदेश। इस तरह हमें जो भी शब्द यहाँ पर दिए हैं वह बनाने हैं। फिर भाव, तो स्व प्लस भाव तो स्वभाव, तंत्र तो स्व प्लस तंत्र तो स्वतंत्र, जन तो स्व प्लस जन तो स्वजन। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए, सुंदर तो सुंदरता और सौंदर्य, उसी के अनुसार सूर सूरता तो सौंदर्य शौर्य, पची धीर धीरता तो धैर्य, उदार उदारता तो औदार्य, और स्थिर स्थिरता तो स्थैर्य। इस तरह हमें यहाँ पर शब्द बनाने हैं। औदार्य और स्थैर्य शब्द इस तरह लिखे जाएंगे, औदार्य औदार्य और स्थैर्य। ओके, इस तरह आपको लिखना है। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द, धरती और आकाश के मिलन का स्थान तो क्षितिज, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली निश्वास तो निःश्वास, दही से बनने वाला एक व्यंजन शिखंड, और ब्राह्मणों का खिलाया जाने वाला भोज, ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाला भोज तो ब्रह्म भोज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला तो स्वामी भक्त। इस तरह पाठ के स्वाध्याय को आपको, स्वाध्याय के प्रश्न अपने नोटबुक में लिखने हैं, सारे शब्दों के अर्थ भी नोटबुक में लिखने हैं और तैयार भी करने हैं। ओके, थैंक यू।